राम राम, नमस्ते, वंदे मातरम। दिन 22 अगस्त 2023 मंगलवार, और वैद्य इशु कांत केशरवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार में आप सबका स्वागत है। विषय के बारे में दीपक भाई बताएंगे। वंदे मातरम। जी, सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम वैद्य श्री ईशुकांत केसरवानी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैद्य निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति अभियान के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि वैद्य श्री ईशुकांत जी पिछले एक दिन आए थे और हम सभी को पिपली रसायन के बारे में हम सभी को बताए, उनकी उपयोगिता, उनके उनकी महत्ता, उनके निर्माण विधि आदि विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करके हम सभी को ज्ञानित किए थे। तो एक व्याख्यान वैद्य श्री जी का पिपली रसायन पर हुआ है। आज वैद्य जी का दूसरा व्याख्यान है और आज के दूसरे व्याख्यान में औषधि प्रेम, औषध से प्रेम करना, इस विषय को वैद्य जी ने रखे हैं और इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे। सर्वप्रथम मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 22 अगस्त 2023 है, तो आज का दिनांक याद रखिएगा जिससे कि हम सभी को ध्यान रहेगा। जैसा कि जो आज आज का विषय से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो वैदिक विद्या है उससे सीधा संबंधित है कि जो प्रेम है, औषध प्रेम, प्रेम शब्द कहने मात्र से ही एक जुड़ाव, एक संबंध की अनुभूति होती है। क्योंकि मेरे विचार से जो वैद्य होते हैं उनके जीवन में औषधि प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, ऐसा मैं समझता हूँ। जो वैद्य होंगे और उनके जीवन में जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, उनसे प्रगाढ़ प्रेम होगा एक वैद्य को। क्योंकि जब तक उनसे प्रेम नहीं होगा तो एक वैद्य एक मानव को कैसे बचाएंगे, उनकी चिकित्सा कैसे करेंगे। ऐसा इसलिए एक श्रेष्ठ वैद्य बनने के लिए वैद्य को परमात्मा द्वारा प्रदत्त सभी औषधियों, वनस्पतियों, पेड़ पौधे, जीव जंतु, समस्त प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है एक वैद्य को। प्रेम का अर्थ केवल ये नहीं कि हमें वे केवल अच्छे लगते हैं। वास्तविक औषधि प्रेम का तात्पर्य यही है कि एक वैद्य उन सभी औषधियों की विशेषताएं, उनका गुण धर्म, उपयोगिता आदि को पूर्ण रूप से भली भांति समझते हो और इसको समझ करके मानव मात्र के कल्याण हेतु शास्त्र विधि से, मतलब जो आयुर्वेद आदि शास्त्र हैं, महर्षि चरक आदि जो महान वैज्ञानिक हुए, ऋषि हुए, उनके द्वारा जो विधि बताई गई चिकित्सा करने के औषधियों के माध्यम से, उनकी विधि से उन औषधियों का प्रयोग करना वो वैद्य जानते हो। तो वास्तविक औषध प्रेम, औषधि प्रेम का यही तात्पर्य होना चाहिए। तो इसी सब विषयों पर वैद्य जी आज बताएंगे वास्तव में औषधि से प्रेम करना क्यों आवश्यक है। आज मैं कहूँ वर्तमान स्थितियों में आप देखेंगे निरंतर पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां घटता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि अधिक से अधिक क्या हो रहा है, कंक्रीट पत्थरों का इस्तेमाल, प्रयोग भारत भूमि पर पृथ्वी पर हो रहा है। मतलब कि कंक्रीट का घर बनना तो नीचे प्लास्टर कर देना, आंगन प्लास्टर कर देना, सड़कों को कंक्रीट से पक्की कर देना, सड़क के किनारे वनस्पति औषधियां उगते थे वो समाप्त हो रहा है। साथ ही वर्तमान में दूषित वातावरण, दूषित प्रदूषण, प्रदूषित जो हमारा आबो हवा है, जल है, मिट्टी है, इन सभी का होने के कारण से भी क्या करें, क्या हो रहे हैं कि वनस्पतियां नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि तो वनस्पतियां नष्ट हो गई तो फिर क्या होगा। वर्तमान में देखेंगे बढ़ती अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के कारण से जो वनस्पतियों का प्रेम है मनुष्यों के जीवन से घट गया, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, जीवन से उनका महत्व घट गया उनके लिए। क्योंकि तो लोग उसको कोई बताने वाले नहीं है। वर्तमान में वैद्य की संख्या कम हो गई, उनके बताने वाला कोई नहीं है। जिसके वजह से कोई बताने वाला नहीं है तो हम नहीं समझते उन चीजों को। आज की पीढ़ियों से पूछें कि एक बबूल का भी पेड़ क्या होता है, अर्जुन का भी पेड़ क्या होता है, उन्हें नहीं पता। चौंकते हैं, अरे क्या होता है, कहाँ मिलता है, ऐसे पूछते हैं। तो जो है बहुत आवश्यक है आज के समय में कि वनस्पतियों से, जड़ी बूटियों से क्यों, कितना प्रेम करना क्यों आवश्यक है। इसी विषय पर वैद्य जी बहुत ही अच्छा विषय चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो विषय है कृपया ऐसे रखिए और मानव हित, समाज हित के लिए, आयुर्वेद के हित के लिए, जिससे कि आयुर्वेद बचे, ज्ञानित करिए
और सबका कल्याण करिए। नमस्ते, वंदे मातरम। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? आप लोग तक पहुंच रही है? जी भाई जी, आ रही है आवाज? आप आ रही है? आ रही है जी, आ जी रही। जी शुरू करते हैं हम तो। मैं पहले तो सभी को प्रणाम करूंगा, और आज के इस परम उपलक्ष्य पर मैं सभी को शुभ संध्या कहूंगा। और इस आज का जो विषय है हमारा, औषधि प्रेम, औषधि प्रेम के बारे में आज हम आगे बढ़ने से पहले इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं को समझना आवश्यक है कि हम कौन है वास्तविक। ये अगर विषय समझ आ गया कि हम कौन है, मैं चाहूंगा वेद श्री भगवान जी से अपना माइक बंद करें। आपका माइक खुला हुआ है जी, धन्यवाद। तो स्वयं को अगर कोई व्यक्ति जान गया या स्वयं को समझ गया, और मैं कौन हूँ इसका पूरा ज्ञान होना ही सर्वप्रथम ये ज्ञान दिलाता है कि सामने वाला कौन है, और उससे कैसी, उसके साथ स्थिति रखी जाए, उससे कैसा व्यवहार किया जाए, और उसके साथ वास्तविक प्रेम की वो उच्चतम स्थिति कैसे प्राप्त की जाए, ये स्वयं के जानने के बाद ही संभव हो पाता है। तो जैसे कि सामान्य जो भाषाओं में और आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो चिकित्सक होता है उसे भिषक कहा जाता है, उसे वैद्य कहा जाता है। इसका अर्थ जानना परम आवश्यक है हर एक वैद्य के लिए, क्योंकि वो तो अपने आगे में वैद्य लिख लेता है, डॉक्टर लिख लेता है, या अन्य किसी भी विधाओं, अन्य परंपराओं में जो भी नाम लिखे जाते हैं वो लिख लेता है, पर उसको उसका मतलब करेक्टली जो उसका होना चाहिए, एक सही पर्याय होना चाहिए, वो उसको पता ही नहीं होता है। तो जो वैद्य है वो कौन है? वैद्य वैद्य वह अद्य इति वैद्यः, इसका अर्थ ये होता है कि वह अर्थात वह जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी आवश्यकता निश्चित ही अभी है, जो स्वयं ईश्वर है, जो स्वयं आत्मा है, वही वैद्य है, अर्थात जो प्राणों की रक्षा करता है, और जो उसी समय उसी स्थिति में अपने जो भी जैसे भी अपने रोगी है, रुग्ण है, या अन्य किसी प्रकार की भी स्थिति बनती है समष्टि में, उसके कल्याण भाव से, कृपा भाव से उसका सेवा करता है और उसे पूर्णतः स्वस्थ करता है, तो वही वैद्य है। वैद्य कहने से ये है कि उसके उसके पास करुणा होना चाहिए, उसके मन में कारुण्य भाव होना चाहिए, ताकि वो समष्टि के कल्याण हेतु, पहले तो स्वयं के कल्याण हेतु, क्योंकि तो स्वयं के कल्याण से ही समष्टि का कल्याण संभव है, क्योंकि तो वो स्वयं को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरा ज्ञान कैसा है, मैं कितना उच्चतम श्रेणी का हूँ, तो वो फिर सामने वाले को उस उच्चतम श्रेणी तक कैसे पहुंचाएगा? उच्चतम श्रेणी तक पहुंचाने के लिए स्वयं को उसका ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि हनुमान जी को जामवन जी ने ज्ञान दिया, वो सद्गुरु थे। सद्गुरु माने कौन? इसके लिए आवश्यक है एक सद्गुरु की। सद्गुरु से तात्पर्य है मेरा, जो आपको भेड़ बकरियों के झुंड से निकाल करके आपको अपने सिंह रूप से आपको परिचित कर दे, वो सद्गुरु है। तो एक सद्गुरु होना आवश्यक है किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, ग्राही क्षमता बढ़ाने के लिए, या उच्च चेतना और उच्च स्तर की चेतना तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक है। तो ये जो अगर इस क्रम से अगर हम देखें, और अपने ज्ञान को निहित रूप में अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हुए चेतना की उच्चतम कोटि तक पहुंचने का प्रयास करें, और उसकी जो यूं कह लें जैसे कि एक चक्र होता है, एक चक्का होता है, उसके बीच में जो छेद होता है उसकी उस वो अनंत होता है, उसके छेद में आप उंगली डालिए तो उसका एक पहुंच नहीं होता है कि आप उंगली डाले और कहीं पे आपकी उंगली का स्पर्श इंद्रिय वहां पे टच हुआ कहीं पे, तो वो टच नहीं होता है। उस उंगली को जितना अंदर डालेंगे वो एक अनंत बोलना चाहिए पथ की ओर गति करता है, तो उसका कोई एक पहुंच नहीं होता है। तो वैसे ही एक सद्गुरु होता है जो आपको अनंतता की कोटि तक पहुंचाने की कोशिश करता है और निरंतर चलने का उपदेश देता है। ये नहीं कि आप एक स्थिति में पहुंच गए और रुक गए, ये नहीं होता, ये अध्यात्म का हिस्सा नहीं है।
कहने का अर्थ ये है कि अपनी आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं है कि आप वस्त्र धारण कर लें, आप किसी प्रकार का चंदन टीका लगा लें और बैठ जाए आप आध्यात्मिक कहला जाएंगे। आध्यात्मिक कहने का अर्थ है जो अपने आत्मा का अध्ययन करता है, स्वयं का अध्ययन करता है, उसी को सुख लाभ और रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है, और इससे भी ऊपर कुछ और भी प्राप्त होता है, वो एक अलग विषय है। खैर, अभी जो स्थिति है, औषध प्रेम मैंने विषय डाला हुआ है, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमको प्रेम को समझने से पूर्व स्वार्थ को समझना आवश्यक है, क्योंकि स्वार्थ को अगर हम समझ गए तो जो बचता है वही प्रेम है। स्वार्थ माने इसको समझने के लिए स्व का अर्थ है जो जानता है, मैंने पहले भी बताया, स्वार्थ मतलब जो स्वयं का अर्थ जानता है वही स्वार्थ है। ये नहीं कि स्वार्थ का जो लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला हुआ है कि स्वार्थ मतलब अभिमानी स्वाभिमानी, ये सब स्वार्थ के हिस्से नहीं है। स्वार्थ मतलब स्व अर्थ वही स्वार्थ है आपका। तो दोस्तों, जो स्वार्थ है उसका कृपया करके गलत मतलब ना निकाले, इसे समाज में भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो स्वार्थ मतलब स्वयं का अर्थ समझना, जो व्यक्ति स्वयं का अर्थ समझता है, अगर वो समझ गया कि इस यत पिंड तथा ब्रह्मांड, वो इस शरीर का जो मतलब है, इस शरीर का जो कार्य है, उद्देश्य है, वो समझ गया, तो कभी वो समष्टि का अहित नहीं चाहेगा, उसका कल्याण करने का ही सोचेगा, उस पर कृपा दृष्टि ही डालेगा, उसे कारुण्य भाव से ही देखेगा, ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी। तो क्यों ना हम आज जो स्थिति में बैठे हुए हैं, जो दृष्टि से बैठे हुए हैं, जो लेन देन की स्थिति से बैठे हुए, लेन देन माने हम किसी भी कार्य करते हैं वहां पे लेन देन रखते हैं, हम सिर्फ लेन देन के लिए ही इस संसार में रहते हैं, क्योंकि ये जो जगत है यहाँ लेन देन ही होता है। आपने कोई चीज दिया, उसे कुछ प्राप्त करने की एक मन में आशा रखी और आपने उसे प्राप्त कर लिया, तो ये लेन देन की जो भावना है ये केवल एक व्यापार है, इसको व्यापार कहिए, इसे स्वार्थ मत कहिए। ये स्वार्थ का जो समाज में चल चुका है, जो इस संसार में चल चुका है, स्वार्थ 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 सिद्धि, ये क्या चीजें हैं? स्वार्थ कुछ गलत चीज नहीं है, स्वार्थ का मतलब गलत निकाल दिया गया है। जो वास्तविक चीज है वो है व्यापार, यहाँ जो व्यापार हो रहा है उसको वास्तविक माना जाता है इस संसार में, लेन देन क्षण भर के लिए व्यक्ति कुछ अगर उसको कहीं पे प्रॉफिट दिखता है, कहीं पर उसको लाभ दिखता है, वो लेन देन करता है। एक पंसारी के पास भी औषधि होती है, उसके पास भी बहुत सारे औषधि के नॉलेज होते हैं, वो भी दवा देता है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या वैद्य हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। वैद्य वही है जो दूसरों के कल्याण कृपा कृपा दृष्टि से, अहुत की भी अहुत की व्यापार से, जो उसका एक मन है वो निर्मल होना चाहिए, वही वैद्य है। तो जब स्वार्थ की सिद्धि होती है, जब स्वयं का अर्थ सिद्ध सिद्ध हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है उसमें कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, तो फिर उस स्थिति में आप समष्टि का बुरा सोच ही नहीं सकते। आज से मेरे को कुछ घटना याद आ रही है। एक माह पूर्व कहीं अमलतास के कुछ वृक्ष थे, और उसमें तीन अमलतास के, एक अमलतास का वृक्ष होता है जिसको संस्कृत में अरगवत कहा जाता है, उसका एक फली जैसा लगा हुआ था, वहां पे फल होता है उसका, एक फली जैसा लंबा सा होता है, पाइप जैसा। तो मेरे को उस फल की आवश्यकता थी, मेरे को किसी रोगी को देना था, तो मैंने क्या बोलते हैं, वहां पर मैं गया, और मैं जाने के बाद में मैंने वहां पे सिर्फ खड़े होकर के मैंने उसे एक ईश्वर के समान माना पहले तो, और मैंने उनसे कहा कि हे वृक्ष महाराज, हे अमरदास वते महाराज, आप मुझे कृपया आपकी जो फलियां हैं, फल हैं, उसे प्रदान करने की कृपा करें। और मैंने उनको जो हृदय से जो मैंने बात कही, और मैं जब वापस आया तो 3 दिन के पश्चात मैं दोपहर के समय में वहां पर गया, जो स्थान था, जो वहां पे वह पेड़ लगा हुआ था, और वहां पे जाकर के मैं खड़ा हो गया। और वहां पे जैसे मैं खड़ा हुआ तो पहले से ही वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, वहां पे कोई भगदड़ नहीं थी, वहां पे कोई क्राउडनेस नहीं थी, वहां पे 3 फलियां गिरी हुई थी, जो 3 फलियां ऊपर में लटकी हुई थी। ये देख करके मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, मेरे मन में बहुत सारी बातें आई, और मैं उस दिन के बाद और आज है कि मैं मेरी जो औषध प्रेम के प्रति जो मेरी पूरी एक शरणागति हो गई है, मन में एक अलग भाव उठता है कि वास्तविक में
हैं उनमें एक सेंद्रीय चेतना होती है। सेंद्रीय चेतना किसे कहा जाता है, मैं इसे थोड़ा व्याख्यान कर दूं। सेंद्रीय चेतना अर्थात उसमें भी कुछ इंद्रियां होती है, दो इंद्रिया, तीन इंद्रिय या एक इंद्रिय ज्यादा से ज्यादा। जैसे स्वर्णेन्द्रिय उनके पास नहीं होता, जो बोलने की क्षमता है, वाक्पटुता है, उनके पास नहीं होता है। चल भाव जरूर होता है। चल भाव कैसे होता है कि वो एक स्थान में उसकी बीज उड़ते हैं, दूसरे जगह में जाते हैं और वो उग जाते हैं पुनः। तो ये एक उसकी चल भाव होती है, इसमें चल गुण होता है। तो उनके पास चलने की क्षमता होती है, हम बोल सकते हैं, परंतु वो बोल नहीं सकते। लेकिन उनकी जो मना स्थिति को अगर समझना है तो उसके लिए विशेष स्थिति प्राप्त करना आवश्यक है। तो जो सेंद्रीय चेतना है वो हमारे पास भी है। हमारे पास जो पांच इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पांच दस कुल होते हैं हमारे पास इंद्रिय क्षमता। तो उस इंद्रिय क्षमता से हम एक जो इंद्रिय रखने वाले जो वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, दो इंद्रिय रखने वाले पशु पक्षी हैं, उनकी बातों को, उनकी सूचनाओं को हम समझ सकते हैं, उनकी हरकत को हम समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। उनकी समझ से हम अपने आप को परिचित कर सकते हैं, अपने आप को, स्वयं को परिचित करा सकते हैं। तो मैंने जब देखा तो मेरे मन में बोलना चाहिए, एक मेरे मन में एक भाव उठा कि वास्तव में जो जो पेड़ होते हैं, जो वास्तव में ये औषध होते हैं, ये प्रेम भावनाओं से इनको भी कुछ होता है। इनके मन, इनको, इनकी जो इंद्रियां हैं वो एक प्रकार से समझती है चीजों को। ऐसा ही एक और घटना मेरे साथ होता है कि मैं एक समय नीम के पेड़ के सामने ऐसे ही बैठा रहता हूँ, और ये लगभग 3 महीने पहले की बात है। तो मैं बस बैठा था और मैं नीम के पेड़ के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उस समय जब मैं जाता हूँ सैर करने के लिए तो मैं किसी प्रकार के मोबाइल ये सब नहीं लेकर के जाता हूँ। मैं एक मुद्रा में बैठता हूँ और मैं एक एक वृक्ष को देखता हूँ, वहां पर जितने भी वृक्ष होते हैं, एक पूरा वृक्ष का वहां पे वो है, बागवान है। और उस वृक्ष को मैं समझता हूँ, परखता हूँ, जो मैंने गुरु से ज्ञान लिया उसको मैं अपने वहां पे यूज करता हूँ कि भाई ये अगर मैं औषध यूज करता हूँ, मैं उसको देता हूँ अपने पेशेंट को, तो मेरे को उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, प्रबल मित्रता होनी चाहिए उससे, ताकि मैं उसको उठा करके दे सकूं। तो मैं जब बैठा हुआ था नीम की पेड़ के सामने में, तो नीम का जो वृक्ष था, ऐसा लगा कि वो अपने किसी अपनी जो चेतना से मेरी चेतना को कन्वर्ट कर रहा है, और मैं उसको एकाग्र चित्त होकर के मैं उसको देख रहा था। तो जो वृक्ष, जो ये कहना चाहिए जो नीम का पेड़ था, उसने मेरे को अपना एक पर्याय बताया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बहकी बहकी बात कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, पर ये सत्य है। और मैं आपको इसका एक पर्याय आज देने जा रहा हूँ जो मेरे पास है, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरी माता श्री को छोड़ करके। तो ये जो है निम्ब, आप जानते हैं निम्ब इसका पर्याय है, वो तो सामान्य बात है। तो इसका एक पर्याय है, लेकिन इसका अर्थ हर कोई नहीं समझता। इस पर्याय का, इसका पर्याय का जो अर्थ मेरे मेरे को उस नीम के पेड़ ने बताया, उस मेरे प्रेमी ने बताया, यूं कहिए तो उसने मेरे को कहा, मैं निर्मल करने वाली माता हूँ। नी मतलब निर्मल, अम्ब मतलब माता। पहले समय में माता को अम्ब कहा जाता था, आज भी अम्बे कहा जाता है, अम्बा कहा जाता है। माता दुर्गा के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं वो अम्बा है। तो निर्मल अम्बा, जो निर्मल कर दे। आप जानते हैं नीम का पेड़ क्या करता है, रक्त को निर्मल कर देता है। तिक्त रस प्रधान औषधि है, वायु और आकाश तत्व को प्रधान है, वीर इसका सीत है और विपाक में ये लघु करने वाला है। तो अति उत्तम औषधि है, पर उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, उसके द्रव्य गुण विज्ञान, उसका अधिकरण, उसके बारे में जानना, तभी आप उससे प्रेम कर पाएंगे, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति को जानने के लिए मेरे गुरु कहा करते हैं, तीन चीज होना आवश्यक है, ज्ञान, भक्ति और प्रेम। किसी औषध के बारे में जान ही नहीं सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने उस औषध के साथ में पहले, बहुत पहले से ही अपने गुरु के साथ, और उससे पहले मैंने बहुत कुछ उसको पढ़ा है, समझा है। मैं घूमता था, मैं एक चरता था, मैं कहना चाहिए घुमक्कड़ जैसा था मैं। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मेरे को जब आयुर्वेद से प्रेम हुआ तो मैं ऐसे घूमता रहता था, मैं एक एक औषध को देखता था। उस समय कोई गुरु नहीं था मेरे पास, मैं उसको समझता था, और जो औषध रहते थे उसमें तो वास्तव में क्या औषधि है, कौन सी औषधि है, ऐसा मैं कोशिश करता था जानने की।
मेरे मन में यही उठता था कि ये औषध वास्तव में क्या है, कैसे काम करता है। देते तो सभी हैं, वो तो पंसारी भी देता है, हर एक वैद्य देता है, लेकिन वो मेरे को बताते नहीं है कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने सिर्फ उसका एक मन में रखा कि मेरे को इस औषध के बारे में जानना है, इससे मेरे को मित्रता करना है। और मैं उसके पैर पड़ता, मैं उससे उसका पैर पड़ने के बाद में मैं उसको आचमन करता, उसका मैं पैर पड़ता, उससे मैं हृदय लगाता, और औषध को समझने के लिए मैं अपना पूरा शरीर से मैं उसको जानने की कोशिश करता। तो मैंने उस औषध को जानने के लिए फिर मैंने धीरे धीरे गुरुओं का सहारा लिया और मैं उसको जान गया। और अभी जानने की जो क्रिया वो निरंतरता में लगी हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा है कि निरंतरता ही आवश्यक है। आप रुक जाएं, ऐसा रुकने से आपको हानि होगा। तो आपको रुकना नहीं है, आपको औषध को जानना है, आपको परखना है, उसके लिए आपको निरंतरता चाहिए, है ना। तो जब क्या होता है कि आप किसी द्रव्य आप किसी औषध के बारे में ज्ञान कलेक्ट कलेक्ट करते हो, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है। चिंतन मनन और निधि ध्यासन, उसका चिंतन करना, मनन करना, निधि ध्यासन, ये कैसे संभव है? विवेक से। आपको विवेक जागृत करना है, प्रज्ञा जागृत करना है अपनी, इसके लिए आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। आपको किसी के गर्भ में जाना है तो पूरा चिंतन मनन करना पड़ेगा आपको। तो मैंने भी उस चिंतन मनन में अपने आप को पूरा झोंक दिया और अंततः मेरे को कुछ लाभ होना शुरू हुआ। वो लाभ मत कहिए उसको, आप उसको ये समझिए कि मेरे को विद्या ददाति विनयम्, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। उस वो जो सुख प्राप्त होता है विद्या से, विनय, विनय से पात्र, और पात्रता से जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख ऐसा पैसे वाला सुख नहीं होता जो आप लेन देन में यूज करते हैं, व्यापार वाला पैसा, ये वो सुख नहीं है, ये अनहद का सुख है। अनहद का सुख मैं आपको बताना चाहूंगा, अनहद और हद में क्या अंतर है। हद वो है जो आपको संसार से मिलता रहता है, अनहद वो है जो ईश्वर की प्रेरणा से मिलता है, वो अनहद होता है। हद तो वो है जहाँ आप गुरु से सुनते हैं कि ये फलाना फलाना औषधि, ये ऐसा यूज होता है, इसका गामित्व शक्ति ये है, इसका मुख्य कर्म ये है, इसका अमायिक प्रयोग ये है, इसका अध्यय ये है, इसका अधिकरण ये है, इसका श्रेष्ठ कर्म ये है, इसका प्रकृति कर्म ये है, इसका प्रकृति प्रमुख कर्म जो मिला है इसको ये है, वो तो बताते ही बताते हैं, वो तो है ही, क्योंकि वो गुरु समीप में है, वो हद तक आपको पहुँचा सकते हैं। लेकिन जब आप अनहद की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको उस गुरु के ज्ञान को ही लेकर के आगे चिंतन मनन और निधि ध्यासन जो ज्ञान योग का हिस्सा है वो आपको करना आवश्यक है। इससे आपकी जो प्रज्ञा है शुद्ध होती है, आपकी प्रज्ञा पुष्ट होती है और हमेशा निर्मल होती रहती है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान योग की आवश्यकता है। इस प्रकार से ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, भक्ति योग से मतलब उसमें रम जाना, उसका भजन करना कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को गुरु ने जितना सिखाया मैं सीखा, अब मेरे को और भी आगे इस औषधि के बारे में जानकारी दीजिए ताकि मैं इसे प्रेम कर सकूं और इससे मेरा प्रेम और श्रेष्ठ होता जाए, क्योंकि मैं जब इसको जानना शुरू करूंगा तो ये भी मेरे को जानना शुरू करेगा। क्योंकि एक मित्र को जब आप समझना शुरू करते हैं तो वो मित्र भाई, आप किसी बंदे को समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसका सुख दुख समझेंगे, तो वो बंदा आपके ऊपर विश्वास करेगा और आप भी उस आपको बारे में समझने की कोशिश करेगा, हर स्थिति में आपके साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा, तो एक बॉन्डिंग हो जाएगा, एक लय हो जाएगा। इसको लय होना बोलते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का लय हो जाता है, जब भक्त और एक भगवान का लय हो जाता है, वो अनहद की स्थिति होती है, वो मौन की स्थिति होती है, वहां पर कोई दूसरा नहीं होता है, वहां पे फिर सिर्फ मौन होता है। फिर आप औषध को ये नहीं बोलते, कुछ मंत्र उच्चारण नहीं करते कि ओम सर्व रोग कष्ट विनाशति, ऐसा कुछ आप मंत्र उच्चारण नहीं करते आप। हाँ, एक विधि हो सकती है वो मंत्र उच्चारण करने की, ताकि वो अनहद की स्थिति पहुंचने के लिए आपके सहायक हो सकती है, लेकिन वो मंत्र आपको ईश्वर से नहीं मिलाएगा। वो एक स्थिति, वो एक विधि हो सकती है, क्योंकि कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बहुत सारी विधियां दी है कि तुम क्षत्रिय धर्म निभाओ, तुम ब्राह्मण धर्म निभाओ, तुम अन्य धर्म निभाओ, वो बहुत सारी विधियां दे रहे हैं, लेकिन वो विधियां उनको काम नहीं आई। आखिरी में उन्होंने कहा कि तुम तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, अयम ब्रह्म अयम आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही चेतना हो, सर्वोच्च चेतना हो। तो वो फिर अंतिम में सब चीज खत्म हो जाता है, अनाथ की स्थिति प्राप्त होती है, मौन की स्थिति प्राप्त होती है, जो अति उच्चतम स्थिति है, जो जहां पर आप शरीर में रहते हुए भी, आप संसार में रहते हुए भी, आप ध्यान आपका एकाग्रचित उस ईश्वर पर होता है, और आप उसके बाद में यथ पिंड तथा ब्रह्मांडे का जो सूत्र है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वहां पर फिर आप संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में आप
जान जाते हैं। फिर आप उस समय आप पंच महाभूत और अपने में कोई अंतर नहीं करते, उस समय आप केवल चेतना को ही देखते हैं, केवल आप उस चेतना को ही देखते हैं जो संपूर्ण चेतना में हर जगह है, वो हर जगह स्थित है। उन चेतनाओं के ऊपर आप कारुण्य भाव से देखते हैं और उन चेतनाओं को आप समझते हैं। तो आप एक आप अपनी जो प्रेम की पराकाष्ठा एक बोलते हैं वो एक सिद्ध हो जाती है वहां पे। फिर आप किसी से भी आप दुर्व्यवहार नहीं करते वहां, किसी प्रकार से आप गलत उसे मन में शंका नहीं होती है, सभी शंकाओं का नाश हो जाता है, जो विचार होते हैं मन होते हैं उसका लय हो जाता है, और एक उच्चतम चेतना जिसको आत्म स्थिति बोली जाती है वो प्राप्त होता है कृपावश। आप औषधि का ज्ञान तो होता ही होता है, आप संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण समष्टि का ज्ञान हो जाता है। फिर आप किसी से गलत व्यवहार नहीं करते, आप उस औषधि से मित्रता करते हैं आप, है ना। मित्रता में विश्वास सबसे बड़ा है, वहां विश्वास भी जरूरी नहीं है क्योंकि अनहत की स्थिति में विश्वास करना भी कोई मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। वहां पे तो आप अपने को उसी में देखते हैं ना, आप बोलते हैं कि मैं कौन हूँ और वो कौन है, हम तो एक ही हैं, वो कोई दूसरा नहीं होता है, वो आप ही होते हैं। फिर आप बोलते हैं मेरे में जो 10 इंद्री हैं उसमें का एक इंद्री दो इंद्री इसके पास है, और ये जो 2 इंद्री है मैं कोशिश करूंगा कि इससे उस व्यक्ति का जो रोग है मैं उससे उसको उसको बोलता हूँ कि हे वृक्ष देवता, हे कृपा निधान, आप मुझ पर कृपा करिए क्योंकि मैं आपका ही अंश हूँ और आपसे ही प्रकट हुआ हूँ। बस मैं इतना ही, मैं निमित्त कारण बनते हुए उस रोगी के कष्ट को हरना चाहता हूँ क्योंकि वो भी आपका ही अंश है। तो ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि इस संसार में हर कोई उस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए हम औषध का प्रयोग करते हैं। औषधि प्रेम आवश्यक इसलिए है भाई, आप किसी व्यक्ति को किसी के शरीर में अगर दाह भरा है, पाक भरा है, प्रभा प्रकाश उसकी समाप्त हो चुकी है, वो जो व्यक्ति है अति स्थिति में जूझ रहा है अपने रोग से, अपनी स्थितियों से, विघ्न उसके साथ विघ्न ने उसको घेर रखा है, और उस स्थिति में आप युक्ति लगाएंगे, है ना। युक्ति वैपाश्य चिकित्सा बोलते हैं, देव वैपाश्य चिकित्सा बोलते हैं, मैंने पहले भी वर्णन किया, समाधिग्रस्त चिकित्सा बोलते हैं, 3 प्रकार की चिकित्सा, जिसमें एक देव चिकित्सा और युक्ति चिकित्सा यहाँ पे काम आती है। जो युक्ति चिकित्सा होती है वो क्या है, युक्ति चिकित्सा कहने से तात्पर्य ये है कि वहां पे आप युक्ति लगाते हैं कि मैं ये औषधि दूंगा। आप ये भी तो लगा सकते थे ना कि मैं कोई वैसा व्यक्ति लाऊंगा जो इसको इसका सत्व बढ़ाएगा, इसका मन को मजबूत करेगा, इसका सेवा करेगा, पर ऐसा व्यक्ति मेरे को लगता है इस स्थिति में संभव नहीं है। जैसे एक यष्टि मधु है वो कई कर्म करता है, यष्टि मधु शुक्रल है, बल्य है, मेद्य है, कंठ्य है, शुक्र शुक्र को बढ़ाता है शरीर में, पुष्ट करता है शरीर को, और सप्त धातु को पोषण करता है, अस्थिगत विकार को दूर करता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है वो। तो उसके गुणधर्म तो अति अति युक्ति पूर्वक लगाया जा सकता है उसको कहीं पर भी किसी भी स्थिति में। परंतु मैं आप अगर किसी व्यक्ति रुग्ण को ठीक करना चाहते तो आप युक्ति पूर्वक किसी वैसे व्यक्ति की तलाश तो कर ही सकते थे ना जो दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, चिकना हो, वो वैसा वैसी स्थिति उसके शरीर में हो कि वो किसी का दुख दर्द रह सके, उसमें शीतलता हो, उसके मन में पावन पावन कर उसका भाव हो, ऐसी स्थिति भी तो किसी व्यक्ति में हो सकती थी ना, जैसे साधुओं संतों में होती है उस व्यक्ति में भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा संभव आजकल नहीं है। इस कारण हम औषध को प्रयोग में ज्यादा से ज्यादा लाते हैं। फिर उसके बाद सत्व के ऊपर काम हम करते ही रहते हैं। सत्व मतलब उसका मन को मजबूत करना, उसको प्रबल सत्व बढ़ाना। 3 प्रकार के सत्व होते हैं बंधुओं, जैसे कि एक होता है निम्न सत्व, मध्यम सत्व और उच्चतम सत्व, जिसको प्रबल सत्व भी कहा जाता है। तो प्रबल सत्व कहने से क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो रोग है वो अगर किसी का प्रबल सत्व अच्छा है वो उतने जल्दी उसमें रिकवरी कर पाता है, क्योंकि सबसे बड़ा है मन। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन तो विषयावशक्तम मुक्तम निर्विषयात्मना। अतः इसका अर्थ ये है कि मन ही सब स्थितियों का कारण है, सभी प्रकार की चीजों का कारण है, कि जो मन ही है वही बंधन में जकड़ा रहता है, इसके कारण हम मुक्ति के स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। तो सर्वप्रथम वहां पे आवश्यक यही है कि हम उस व्यक्ति का सत्व अच्छा करें, उस व्यक्ति की स्थिति अच्छा करें, ताकि उस जो व्यक्ति है उसका कल्याण हो सके,
है ना, तो उसका सत्व अच्छा करने के लिए वैसी स्थितियां बनाई जाती है, वैसी युक्तियां लगाई जाती हैं और वैसे औषध का प्रयोग किया जाता है। और उस औषध से जो प्रेम होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके होते हैं, उससे आप एक पूरा विश्वास अपना आपका स्थापित होता है, तो आप उससे भक्ति करते रहते हैं, ये निरंतरता होती है उसके साथ में। तो आप औषध को अच्छे से जान करके उस व्यक्ति को देते हैं और उससे उस व्यक्ति का जो रोग है वो समाप्त होता है, संप्राप्ति भंग होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति का सत्व बढ़ाने की आवश्यकता है। हर किसी का सत्व गिरा हुआ है, थोड़ा सा कुछ रोग हुआ और उसका सत्व गिर जाता है कि मेरे को ये रोग हो गया, डॉक्टर साहब, वैद्य जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ऐसा है, वो बहुत सारी चीजें कहता है, तो उसका सत्व बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो आजकल सत्व के ऊपर ही काम करने की मेरे ख्याल से मुख्य रूप से जरूरत है। प्राण ऊर्जा के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, प्राण वायु के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उसका प्राण अच्छा कर दीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा कई कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि आपसे साल साल भर जुड़े रहते हैं सिर्फ आपके, और भले ही वो ठीक नहीं हुए रहते लेकिन आपसे साल भर ट्रीटमेंट लेते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, और वो ठीक नहीं हुए रहते, परंतु आप जो उसके साथ बॉन्डिंग, उसके साथ जो मित्रता किए रहते हैं, प्रेम किए रहते हैं, उससे उस व्यक्ति का विश्वास आपके ऊपर पूर्णता हो जाता है और इस वजह से वो व्यक्ति, उसका सत्व अच्छा हो जाता है, उसका मन अच्छा हो जाता है कि उसको लगता है कि कोई ऐसा मित्र मिल गया है, कोई ऐसा संगी मिल गया है, ऐसा विश्वास करने वाला मिल गया है जो मेरे रोग को तो काटेगा, मेरे मन को भी अच्छा लगेगा। तो वो मन से ही स्थिति को अपना अच्छा कर लेता है, सत्व उसका अच्छा हो जाता है, प्रबल सत्व को प्राप्त होता है और वो रोग से धीरे धीरे कटते हुए वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए आपको औषध प्रेम आवश्यक है। औषध कहने से मेरा वृक्षों से भी है, मेरे अन्य प्राणियों से है, जीव जंतुओं से है, मेरे संसार के जितने भी वो है। औषध कहने से हो जाता है कि आप किसी का सहारा ले रहे हैं या किसी से आप मदद मांग रहे हैं या किसी के कृपा पात्र बन रहे हैं आप, किसी से आप कुछ करुणा के भाव से, आप किसी से कुछ, आप अपना कुछ पूर्व जन्मों के कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, आपके संचित कर्म है, इन सभी कर्मों के बंधन में आकर के आप कम से कम प्रेम तो कर रहे हैं ना, आप उनसे प्रेम कर रहे हैं आप, तो किसी से आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा व्यवहार ही आपको देगा। तो इस संसार में मेरा यही आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पे वैद्य श्रेष्ठ हैं, जितने भी गुरु तत्वभागी हैं, जितने भी मेरे मेरे से ऊपर और उच्चतम कोटि के जो प्राणी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो इस जो मंच है यहाँ पर आकर अगर वो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वो मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी वो चेतना निहित है, वो भी उस चेतना को समझने के लिए यहाँ पर एक एक घंटा यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो भी सत्व गुरु ही हैं, तभी वो यहाँ पे बैठे हैं। और आयुर्वेद को हर कोई नहीं जान सकता, आयुर्वेद को हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आयुर्वेद अछूता है, आयुर्वेद अति उच्चतम कोटि की एक शास्त्र विद्या है, क्योंकि विद्या ही विनय देता है, विनम्रता देता है, क्योंकि आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं लेकिन आप में विनम्रता है, तो उससे आपको पात्रता अवश्य मिलेगा और उस पात्रता से ही आपको जो मैंने आपको बताया सुख मिलेगा, वो सुख कैसा होगा, अनहत का सुख होगा, मौन का सुख होगा, अति आनंद का सुख होगा, प्रहलाद का सुख होगा। तो ऐसे सुख को धारण करने के लिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने अपने सत्व को अच्छा करें, आप रोगी के सत्व को अच्छा करें, आप औषधि से प्रेम करें, आप सभी प्रकार के प्राणियों, जीव जगत से प्रेम करें, समष्टि के कल्याण हेतु ही अपना जीवन उन पर कृपा पात्र करते हुए, कृपा अवैध के उपाल उपकार करते हुए उनके साथ आप निरंतर क्रम में बढ़ते चले और उन्हीं से आप प्रेम करें, क्योंकि तो आप और आप में उनमें कोई अंतर नहीं है, आप भी उसी पंच महाभूत से बने हुए, वो भी उसी पंच महाभूत से बनी हुई है, बने हुए हैं, उनमें भी वही चेतना निहित है जो आप में है, तो फिर अंतर क्या हुआ। जैसे कि कबीर साहब बोलते हैं, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो वो जो पानी सब में जो एक पानी है वो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत अत्यंत उच्चतम कोटि का पानी है। तो ऐसे जो पानी है, ऐसे जो जल है, जो इतना पवित्र जल है, क्यों ना इस पवित्र जल को ही हम समझे, इसी मूल को समझे, इसी मूल को समझते हुए हम अपने आप को सर्वथा उचित कार्य में लगाएं। क्योंकि कबीर साहब का एक और मेरे को दोहा याद आता है कि राम बुलावा भेज कर, राम बुलावा देख कर, पिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगति वो बैकुंठ में ना होए। तो जो
इस संसार में हम रह करके, इस शरीर के अंदर में रह करके हम उस चेतना के माध्यम से सभी का कल्याण करें, सभी के ऊपर कृपा करें और साधुओं की संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें। यहाँ साधु से तात्पर्य है अच्छे व्यक्तियों की संगति करें जो उस चेतना को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर से अपने आप को लगाए हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, निहित हैं। तो क्यों ना ऐसे साधु की संगति में लगा जाए, तो आपको उस वैकुंठ का भी लोभ ना होगा, उस वैकुंठ से भी लोभ आपका कट जाएगा। तो ऐसे इस पावन और पवित्र आयुर्वेद जैसे ग्रंथ को आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही आपको उससे प्रेम होगा, भक्ति आएगी और उससे ही आपका राजयोग बनेगा। राजयोग अर्थात मैंने बता ही दिया, अनहद, अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं रे बंदे अनहद का बाजा बाजता। जो अनहद की जो बात है वो एक अनंतता की बात है, वो एक स्थिति की बात है, इसको परम सत्य कहा बुद्ध भगवान ने, भगवान बुद्ध ने, है ना, वो परम सत्य ही है जिसको प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर से हम भटक रहे हैं, अहम भाव में जीते हैं। अहम भाव क्या है? अहम भाव दो प्रकार से है। एक अहम जो होता है, जो श्री कृष्ण ने कहा अहम सर्व पापी भी वो मोक्षिष्यामि मा शुचः, उस अहम में अनंतता है ना, वो अहम जो है परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए कहा गया, उन्होंने ही कहा सर। और जो एक अहम होता है जिसको अहंकार कहा जाता है, उस अहंकार वश इस जगत में हम फंसे हुए रहते हैं, बंधन में रहते हैं। तो ऐसे अहम को छोड़ करके परम पुरुषोत्तम परमेश्वर की जो अहम स्थिति है उसमें हमको जाना है, उसी में हमको निविचरण करना है, उसी में हमको अपना जीवन यापन करना है, और ऊर्ध्व गति को प्राप्त होना है, अधो गति को प्राप्त नहीं होना है। ऊर्ध्व गति ही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, चेतना की ही, चेतना को ही सर्वोच्चतम स्थिति तक पहुंचाने की क्रिया है ना। तो इस स्थिति को प्राप्त कीजिए, है ना, क्योंकि पोथी पर जग भया पंडित भया न कोय, ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। पंडित कौन है? जो चीजों को विच्छेद करके देखता है ना, चीजों को अलग अलग रूपों में देखता है, अलग अलग छोटे छोटे, उसको एक चीज है उसको अलग अलग भाव से देख पाता है, वो वही पंडित है ना। तो पंडित के लिए जरूरी क्या है? उसके धर्म शास्त्रों को पढ़ना। जब तक वो धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, वो किसी चीज को विच्छेद करके चिंतन मनन ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा उसको नहीं देख सकता है। वो तत्पश्चात संभव होने पर, वो विच्छेद की स्थिति प्राप्त होने के बाद में एक चेतना की स्थिति बनती है, वहां पे फिर आप अनहत की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो ऐसी अनहत की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेरा सभी जितने भी यहाँ पे गुरु तत्व मौजूद हैं, जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे अंश हैं, और जो मैं उन्हीं का अंश हूँ, ऐसे मैं सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। और इस आयुर्वेद के ग्रंथ को इसी पवित्र मन से, निर्मल मन से आप पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार से उस ईश्वर का जो कृपा है, कारुण्य भाव है, वो प्राप्त होगा, और आप इस संसार रूपी समष्टि के कल्याण हेतु आप हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि आपको उससे प्रेम हो जाएगा। इसी को औषध प्रेम बोलते हैं। मैंने आपको उसका व्यापक स्थिति बता दिया, और इस व्यापक स्थिति को ही धारण करें, अन्य स्थितियों को धारण ना करें। और मैं चाहता हूँ कि आप एक स्थिति, इसी स्थिति को भी धारण ना करें, आप इस स्थिति को आप अपने मन में रखिए, लेकिन इसके ऊपर चिंतन मनन करते रहिए, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है अनेकांतवाद का है ना, हर किसी को अपनी बात रखने की यहाँ पे वो है, और ये शास्त्र जो है एकांतवाद का नहीं है, एकांतवाद का आपके लिए हो सकता है, लेकिन अनेकांतवाद का ये शास्त्र है, ये धर्म है अनेकांतवाद का। जैन जैन वाले बोलते हैं ना अनेकांतवाद का धर्म है। तो अनेकांतवाद मतलब क्या होता है? जो सभी की बातों को रखता है, कि हिंदू आया तो ठीक है, मुसलमान आया तो ठीक है, जैन आया तो ठीक है, सभी प्रकार के जो आते हैं उनकी बातों को रखना, और फिर उनसे एक निचोड़ निकाल के सार भाग ग्रहण करना, और उसी को जन कल्याण, समाज कल्याण, समष्टि कल्याण के हेतु लगाना, है ना। तो ऐसे ऐसी मेरी आपसे सभी से आ, इत, आ, क्या बोलते हैं वो है अनुरोध है, ऐसी मेरी आप सभी से विनम्र प्रणाम करते हुए एक मेरे मन में भाव है कि आप ऐसा ही कर्म करें, कर्म योग में लगे रहें, आपका ही, आप सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। सहना न हो तो सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवा वही तेजस्वी नाम वधीतमस्तु मा विद्विषा वही, है ना। हम आगे बढ़े, हम तेजस्विता को प्राप्त हो, वीर्य को प्राप्त हो, शुक्र को प्राप्त हो, हम अत्यंत उच्चतम स्थिति को प्राप्त करें, और हम समष्टि के कल्याण हेतु इस प्राप्ति का उपयोग करें। तो ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा मन है, और ऐसा मैं
हर किसी के मन में ये भाव उत्पन्न करना चाहता हूँ, और प्रभु मेरे को ऐसा करवाते रहे। मैं उनके कृपा पात्र, उन्हीं की कृपा के कारण आज बोल रहा हूँ, और इस आपके आप गुरु तत्व भागी जितने भी वैद्य हैं उनके सामने में मैं खड़ा होकर के या बैठ करके जैसा भी आप समझे मैं बोल पा रहा हूँ, वो उन्हीं के कारण संभव है। तो मेरी ऐसी विनम्र इच्छा है कि आप सभी इस पावन कर्म में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सही हृदय प्रणाम, और आज के इस मंच को देने के लिए मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और इसी प्रकार से आगे ये मौका मुझको मिलते रहे ताकि मैं और भी जो टॉपिक्स हैं उस पर बोलूं, और उससे मैं अपना भी ज्ञान बढ़ाऊं, अपने को भी पुष्ट करूं और सामने वाले को भी पुष्ट करूं। प्रणाम, सभी को शुभ संध्या, धन्यवाद। जी ओम नमस्ते सभी को। है क्या या समाप्त हो गया? जी अन्य श्रोतागण का यदि कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिएगा, अभी 5-10 मिनट है, नहीं तो हम शांति पाठ कराएंगे हम सब मिलकर के। जी जी ठीक है, तो आइए हम सब ईश्वर स्तुति करते हुए शांति पाठ करेंगे और इस सत्र का समापन करेंगे। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने अपने विषय का रखा, औषधि प्रेम, हमें औषधियों से कैसे प्रेम करना चाहिए। और वास्तविक यही है कि हमें जितने भी आयुर्वेद को सुनने वाले हैं, पठन पाठन करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने वर्णन किया कि हमें औषधि से प्रेम कैसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, सभी श्रोता गंधी सुने, बहुत सुंदर। तो आइए हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हुए शांति पाठ को हम समापन करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वयस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भागवे। ओम शान्तिः शान्तिः शांति ही। सभी श्रोतागण को, हमेशा हमसे बड़े और छोटे को सभी को मेरा प्रणाम, छोटे के सुवासिस वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित हमारे हैं, अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सारे व्याख्यान को सुने, एक बार नहीं बारंबार सुने, इसी सभी को पुनः से वंदे मातरम, ओम नमस्कार।